तो पिछला वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम एक पार्टिकुलर डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे थे, यूआरएल में वो एक पार्टिकुलर यूनिक आईडी डाल रहे थे, और उस आईडी से मिलता जुलता अगर उस कलेक्शन में कोई डाटा है तो वो हमें रिटर्न करके दे रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि हमारे पास किसी कलेक्शन में अगर डाटा है और उसमें से एक डाटा को मेरे को डिलीट करना है, तो वो डिलीट कैसे करेंगे। यानी कि आज हम लोग डिलीट रिक्वेस्ट वाला चीज़ देखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ, तो मैं ले जाता हूँ अपने प्रोजेक्ट में, ओके। और यहाँ पे मैं कलेक्शन दिखाता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे डाटा हैं, और इस डाटा में से मुझे क्या करना है, एक कलेक्शन का, एक पार्टिकुलर कलेक्शन का एक पार्टिकुलर डाटा मुझे डिलीट करना है ना। तो अभी तो हम लोग स्टूडेंट राउट पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट नाम का हमारे पास एक कलेक्शन है, और यहाँ पे स्टूडेंट नाम का कलेक्शन है जिसमें कि बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स है ना, यानी कि बहुत सारे डाटा है। मुझे यहाँ पे एक डाटा को डिलीट करना है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक डाटा को डिलीट करना है। तो ये रहा स्टूडेंट नाम का कलेक्शन, और यहाँ पे अभी लोड हो रहा है, देखते हैं कि यहाँ पे ये तीन डाटा मेरे पास है, तीन ऑब्जेक्ट मेरे पास है, ठीक है ना। तो यही मुझे मुझे तीन ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिल रहा था, अगर मैं ये हटा दूँ अभी पूरा का पूरा, ठीक है ना, और सिर्फ गेट रिक्वेस्ट करता हूँ, तो मुझे सारा का सारा डाटा मिल रहा है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ में से कोई एक डाटा को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, कोई एक डाटा को मैं डिलीट करना चाहता हूँ। अब किस डाटा को डिलीट करना है ये मुझे एपीआई कॉल करते वक्त बताना होगा। सबसे पहले तो काम ये करना पड़ेगा कि मुझे डिलीट रिक्वेस्ट करना है, डिलीट रिक्वेस्ट करना है इसी स्लैश स्टूडेंट को, स्टूडेंट राउट को ही, और मुझे बताना पड़ेगा कि किस डाटा को आप डिलीट करना चाहते हो, तो मुझे उस डाटा का ये यूनिक आईडी पास करना पड़ेगा, ये यूनिक आईडी पास करना पड़ेगा। तो फिर से इसी तरीके से आपको करना है, जिस तरीके से आप गेट रिक्वेस्ट कर रहे थे बाई आईडी, उसी तरीके से आपको करना है डिलीट रिक्वेस्ट बाई आईडी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप आईडी पास कर रहे हो, ये आईडी का जो डाटा है उसको आप डिलीट करना चाह रहे हो, ठीक है ना, कहाँ से, स्टूडेंट राउट जो है, इस तरीके से यहाँ पे आप डिलीट रिक्वेस्ट करना चाहते हो। अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमने डिलीट रिक्वेस्ट का कोई कोड लिखा ही नहीं है, तो चलो कोड लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे लास्ट में नीचे इस जगह पे मैं डिलीट रिक्वेस्ट का अभी कोडिंग करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखता हूँ जो चीज़ है, यहाँ पे आप देखो राउटर डॉट, यहाँ पे अभी मुझे डिलीट रिक्वेस्ट यूज़ करना है, ठीक है ना, राउटर डॉट डिलीट, और इस तरीके से स्लैश, ओके। देन यहाँ पे आप जिस तरीके से पहले लिखते थे तो आपको उसी तरीके से लिखना है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स देन नेक्स्ट, ओके, और यहाँ पे इस तरीके से करना है आपको, है ना। अभी सिंपली हम लोगों को सबसे पहले काम क्या करना है, जिस तरीके से आप गेट में कर रहे थे ना बाय आईडी, यानी कि एक पार्टिकुलर डाटा को गेट कर रहे थे, तो उसमें आपने कोड लिखा था, सबसे पहले क्या कर रहे थे, उस आईडी को आप यहाँ पे कैच कर रहे थे, है ना, यहाँ पे। तो उसी तरीके से हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा सो दैट कि ये आईडी हमारा कैच हो। तो यहाँ पे फिर से मैं कर देता हूँ यहाँ पे आईडी, ओके। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इसको कंसोल करके देख लेता हूँ कि ये आईडी आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं करता हूँ कंसोल, ओके, डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं करता हूँ रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट, और जो नाम आपने दिया है आईडी, ओके, ठीक है, इतना हम लोग करते हैं पहले। कंट्रोल एस किया मैंने तो ये रीस्टार्ट हो रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे इस जगह पे ये डिलीट रिक्वेस्ट मुझे कॉल करना है। तो ये अभी सक्सेसफुली कनेक्टेड विद डाटाबेस हो चुका है, अभी हम लोग इसको सेंड करते हैं, ठीक है ना। यहाँ से मैंने ये हिट किया, तो अभी आप देखना यहाँ पे आपको ये मिल रहा है, ये जो आईडी है वो आपको मिल रहा है, ठीक है। अब आईडी मिल गया, तो इस आईडी का डाटा मुझे डिलीट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको लिखना पड़ेगा स्टूडेंट जो आपने क्रिएट किया है, ठीक है ना, स्टूडेंट डॉट। अब देखो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा रिमूव का, क्या ऑप्शन होगा, रिमूव, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रिमूव यूज करना है, और बताना पड़ेगा कि मुझे एक आईडी का डाटा डिलीट करना है। अब यहाँ पे आप देखो मॉडल पे जाओ, जो आपने यहाँ पे नाम दिया है, क्या दिया है नाम, आईडी, जिस तरीके से आपने यहाँ पे लिखा है उसी तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे उसी तरीके से आपको लिखना है, और वो वैल्यू आईडी, और इसका वैल्यू पास करना है, इसका वैल्यू आपको क्या करना है, पास करना है। तो उसका वैल्यू क्या होगा, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, ठीक है ना, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी, ओके। ये चीज अगर ये
इस तरीके से होगा तो क्या होगा कि ये आईडी जो है वो रिमूव हो जाएगा, यानी कि वो डाटा रिमूव हो जाएगा। अगर रिमूव होता है देन, अगर रिमूव होता है देन हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि सबसे पहले तो इसको मैं ले लेता हूँ रिजल्ट। ओके, हालांकि लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, बट आप चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो रिजल्ट। ओके, देन यहाँ पे सॉरी, रिजल्ट इस तरीके से है ना। आप सिंपली यहां पे क्या करो, आप रिस्पॉन्स दो एक, पहले तो स्टेटस कोड दो ओके का 200, देन एक जेसन ओके जिसमें कि आप मैसेज दो सीधा सीधा, मैसेज यहां पे लिख दो डिलीटेड सक्सेसफुली, डिलीटेड सक्सेसफुली। ओके, ये आप कर सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि यूजर को पता चल जाएगा कि डाटा डिलीट हो चुका है। ठीक है, और अदरवाइज आप चाहो तो यहां पे इस रिजल्ट को भी आप दिखा सकते हो रिस्पॉन्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो भी कर सकते हो। तो यहां पे मैं एक काम करता हूं, एक और चीज मैं यहां पे लिखता हूं, डिलीटेड डिलीटेड डाटा। ओके, और यहां पे मैं लिख देता हूं रिजल्ट जो भी है इस तरीके से। ओके, देन ये तो हो गया हमारा। अगर कोई एरर आता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कैच करना पड़ेगा। एरर आता है तो क्या करना पड़ेगा, कैच करना पड़ेगा, कैच। ओके, देन यहां पे जिस तरीके से आप शुरू से लिखते आ रहे हो उसी तरीके से आपको लिखना है, कोई नई चीज नहीं है। और रिस्पॉन्स दो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 का डॉट एक जेसन में एक एरर मैसेज दो, एरर, और इसमें जो एरर आ रहा है वो आप इसको भेज दो। ठीक है, तो अभी मैं इसको शेप करता हूँ, कंट्रोल एस शेप किया मैंने, अभी यहाँ पे सर्वर रिस्टार्ट हो रहा है, देन हम लोग इसको टेस्ट करेंगे। ओके, तो देखो अभी यहाँ पे ध्यान से देखना, सबसे पहले तो गेट करके देख लेते हैं कि ये कौन सा डाटा है। ठीक है, तो गेट बाय आईडी हम लोग कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने पिछला वीडियो में कोडिंग करके रखा था, तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये सत्यवान नाम का जो डाटा है ये अभी मुझे डिलीट करना है। तो इसी आईडी को मुझे क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, डिलीट रिक्वेस्ट है ना। तो अभी मैं इसको सेंड करता हूँ, तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है डिलीटेड सक्सेसफुली, और ये इस तरीके से कुछ आ रहा है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि आपको ये चीज़ लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, तो आप एक काम करो इसको हटा दो। ठीक है, बस इसको रहने दो, सिंपली डिलीट सक्सेसफुली। तो अभी आप देखना कि ये डाटा डिलीट हो चुका है, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, इसको आप रिफ्रेश कर लो। तो अभी यहाँ पे देखना सत्यवान नाम का जो डाटा होगा वो अभी यहाँ से डिलीट हो गया होगा। ठीक है, तो मैं इसको काम करता हूँ यहाँ से रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो अभी यहाँ सत्यवान नाम का जो डाटा था वो अभी डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से डिलीट रिक्वेस्ट काम करता है।